हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा क्लासेस। अभी आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके प्रेजेंट लिखना है, एंड सेकंड थिंग आपको हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स ये फाउंडेशन एमसीक्यू एंड ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन करना है। टुडे वी डिस्कस विद द यूनिट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो चैप्टर है वो आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड चैप्टर यूनिट 2 एंड यूनिट 3 भी बाकी है। उसके बाद भी आज हम सीधे यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जो मैंने टेस्ट लिया था लास्ट टाइम, उसमें जो विनर थे, हमारे टॉप 2 जो विनर थे, उनमें से किसी एक की डिमांड है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनमें उनको कुछ डाउट है, तो उसको डिस्कस करना है। तो एज पर द प्रॉमिस, टुडे वी आर विद द यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ सबसे पहले सेक्शन 37। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेक्शन लिखना जो है वो पेपर में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ अगर हम ये सेक्शन लिखेंगे तो उससे हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप जब रिवीजन भी करोगे ना, तो साथ साथ में सेक्शन लिखते जाना और जो हेडिंग है वो लिखते जाना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एट द परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर। इसमें कहता है कि जब हम जो पार्टीज होती है, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, तो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उनको क्या करना है, परफॉर्म करना है या ऑफर टू परफॉर्म करना है, दो चीजें करनी है, परफॉर्म करना है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है। ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है, हम नीचे डिस्कस करेंगे, मतलब दो चीजें करनी है, फिर परफॉर्म करना है, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है उसको परफॉर्म करना है दोनों पार्टीज को, या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है, उनको क्या करना है परफॉर्म, उनके जो प्रॉमिस जो किया है, लेकिन अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ, अगर हम परफॉर्मेंस जो है डिस्पेंस हो गया है ये एक्सक्यूज, कोई फॉर एग्जांपल कि कल तक वो लीगल था बट कुछ है ना लॉ के अंदर चेंज आने की वजह से वो इलीगल हो गया है, तो एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन हो गया है, या फिर कैंसिल हो गया, टर्मिनेट हो गया है कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लॉ के द्वारा, तो फिर हम उसको परफॉर्म नहीं करना है। बट अगर नहीं हुआ है तो पार्टीज को क्या करना है, या फिर परफॉर्म करना है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है। यहाँ पे सेकंड लाइन है कि प्रोमिसेस जो हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रोमिसर के, इन केस ऑफ डेथ, प्रोमिसर के डेथ पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको वो परफॉर्मेंस जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि ए ने प्रोमिस किया था बी को कुछ गुड्स डिलीवर करने का ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड ए जो है वो उन्होंने ए ने बी को प्रोमिस किया था कि मैं आपको 1 लाख रुपीज दूंगा ऑन अ सर्टेन डे, लेकिन अब वो अपना प्रॉमिस पूरा करते उससे पहले ए की मौत हो गई, ए की डेथ हो गई, इसके वजह से अब ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बाउंड हो चुके हैं ये प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। इसका मतलब अगर जो प्रोमिसर की डेथ हो जाने पे जो प्रोमिसर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जो है पर्टिकुलर प्रोमिस को फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा काम था जो कि जो वो प्रोमिसर था वही कर सकता था, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि ए ने प्रोमिस किया है बी को कि वो पिक्चर को ड्रॉ करके देगा सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस। अगर इस केस में ए की मौत हो जाती है तो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो था वो ए ही कर सकता है, ए का रिप्रेजेंटेटिव भी चाहके नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट है। तो सेक्शन 37 ये कहता है कि जो पार्टीज है उनको अपना परफॉर्मेंस जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा, दो चीजें, या फिर परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर वो एक्सक्यूज हो चुका है, डिस्पेंस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट या कोई और लॉ में, तो फिर नहीं करना है। और जो डेथ हो गई है फॉर एग्जांपल प्रोमिसर की, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको काम करना पड़ेगा, बट अगर वहां पे पर्सन की जरूरत थी और फिर प्रोमिसर की डेथ हो गई है तो वो काम तो नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पे समझाई गई है। अब परफॉर्मेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना ऑफर टू परफॉर्म, वही है कि क्या होता है ऑफर टू परफॉर्म, हम यहाँ डिस्कस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो दोनों पार्टी है उन्होंने जो प्रोमिस किया था वो दोनों पार्टी ने वो अपना काम कर लिया है एक विद इन द टाइम एंड इज मैनेजर, जिस तरह से उन्होंने तय किया था उस तरीके से उन्होंने काम कर लिया है, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू और एदर ऑफ द पार्टी फुलफिल, उन्होंने अपना काम कर लिया जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे आती है ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस, इसका मतलब कि कुछ ऐसा है जो हमने प्रॉमिस तो किया था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अब भी बाकी है। यहाँ पे प्रॉमिस किया था लेकिन परफॉर्मेंस बाकी है, बट यहाँ पे प्रोमिसर जो है ऑफर कर रहा है अपना काम, बट जो प्रोमिस ही है वो रिफ्यूज मतलब मना कर रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस आती है कि प्रोमिसर जो है वो ऑफर कर रहा है, वो विद इन द हायर कर रहा है कि नहीं, मतलब
यू नो अभी रात के 12 बजे वो डिलीवरी करेगा तो वो फिर माना नहीं जाएगा, मतलब ये जो कंडीशन बता रहे हैं वो एक पूरी जो सेटिस्फाइड है, मतलब प्रोमिसर जो ऑफर कर रहा है वो एकदम लीगल कंडीशन पे कर रहा है, फिर भी जो प्रोमिसी है वो रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब प्रोमिसर ने अपनी तरफ से काम कर लिया है बट प्रोमिसी जो है वो रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको मतलब बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म। अब हमारे अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता बिकॉज हमने अपना काम कर लिया है, हमने तो परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर दिया लेकिन सामने वाले ने रिफ्यूज कर लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने सेक्शन 37 डिस्कस किया, अब सेक्शन 40, 41 एंड 42। अब परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म कौन करेगा, सेक्शन 40 हमें ये सिखाती है, 37 नाउ 40 कि परफॉर्मेंस को परफॉर्म कौन करेगा। वो सेम केस आ गया कि इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म। मतलब वहां पे अगर पर्सनल स्किल की नॉलेज की जरूरत है तो उस केस में तो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, और बाकी कोई भी केसेस में प्रोमिसर कर सकता है ये रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वो कोई अच्छे एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट पर्सन को वो क्या कर सकते हैं, वो काम दे सकते हैं कि तुम हमारे बदले में परफॉर्म कर दो, एजेंट कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोमिसर अगर वहां पे पर्सनल स्किल की या नॉलेज की जरूरत है तो वहां पे प्रोमिसर को खुद को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर वो एजेंट को कह सकते हैं अगर पर्सनल स्किल की या नॉलेज की जरूरत नहीं है तो वो एजेंट को कह सकते हैं, या फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द केस ऑफ डेथ। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बट देयर लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दी नेट। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव को मिली वो 5 लाख की थी और उनका जो डेप्स थे वो 6 लाख के थे, तो वो कितनी फुलफिल होगी, जो लायबिलिटी 5 लाख की ही वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 लाख तक की लोन फुलफिल करेगा, उससे ज्यादा का लोन नहीं पे करेगा क्योंकि उसको कितनी डिसेस मतलब जिसकी डेथ हुई है उससे उसको सिर्फ 5 लाख ही मिला है तो वो 6 लाख उसका डेप्स नहीं भरेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे थर्ड पर्सन सेक्शन 41 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे प्रॉमिस से अगर परफॉर्मेंस जो है जो परफॉर्म करना है प्रोमिसर को, अगर वो थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद वो प्रोमिसर के अगेंस्ट कोई भी केस सूट नहीं कर सकते। यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा कि दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर, अगर एक्सेप्ट करता है कौन प्रोमिसी उसके बाद अगर वो, इसका मतलब ये हो गया कि वो डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने प्रोमिस को प्रोमिसर से, उसके बाद कुछ भी हुआ तो वो थर्ड पार्टी को ही सूट करेंगे, प्रोमिसर को सूट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था कि ए ने रिसीव की सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रोमिसिंग टू पे 1 लाख, लेटर ऑन ए एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट। अब सी जो था उसने उनके अगेंस्ट में बी को पेमेंट कर दिया 60,000 रुपीज। अब है ना रिमेनिंग अमाउंट के लिए 1 लाख के लिए जो बी है वो सीधे है ना ए को नहीं कर सकता, वो क्या करेगा सी, जो सी को कर सकता है बट वो ए को करना चाहे तो रिमेनिंग अमाउंट है मतलब 60,000 पे सी से कुछ नहीं कर सकता, वो सी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और ए से वो सिर्फ 40,000 कर सकता है बैलेंस अमाउंट। मतलब एज पर सेक्शन 41 ये कहता है कि जब प्रोमिस ही एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस कुछ थर्ड पर्सन से उसके बाद वो प्रोमिसर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, बट यहाँ पे ये भी है कि वो सी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसर। अब देखो यहाँ पे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि 40,000 थी वो बैलेंस अमाउंट ही रिकवर कर सकता है, स्यू कर सकता है, बाकी 60,000 वो स्यू नहीं कर सकता। ज्वाइंट प्रोमिसर, इसका मतलब अगर दो या दो से ज्यादा इंसान उन्होंने मिलकर एक प्रॉमिस किया है तो उसके अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस अपीयर, अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जहां पे पर्सनल स्किल की जरूरत थी तो उसके अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कोई और कर ही नहीं सकता, तो बाकी उसके जो अगर वो है तो बात अलग है, बट अगर उसके अलावा है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलकर क्या करेगा उनके जो प्रॉमिस था उसको फुलफिल करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर सभी जो प्रॉमिस जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो सभी अगर मर जाते हैं तो उनके सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके वो प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे, बट अगर वो बात आती है कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशंस अपीयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें पर्सन स्किल की जरूरत थी तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बट उसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं तो वो उनको बाउंड कर देगी परफॉर्म करने के लिए। अभी यहाँ पे है कि सक्सेशन और डिस्ट्रिक्शन के मतलब बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या होते हैं, कि यहाँ पे कहना है कि जैसे हमने पढ़ा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको बाद में पेमेंट करना पड़ता है, डेब्ट्स पे करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे सक्सेशन के केस में क्या होता है कि जो बेनिफिट्स होते हैं वो किसी और को मिल जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट्स नहीं मिलते, यहाँ पे उसके साथ अटैच जो बर्डन होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल की कोई डेथ हो गया तो उसके जो फॉर एग्जाम्पल एसेट्स थे 8 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, बट उसके अगर उसको डेप्थ हो वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, मतलब बर्डन और बेनिफिट्स दोनों मुझे साथ में मिलेंगे।
एंड मे समटाइम डिवॉल्व ऑन द लीगल हाई. सपोज सन फॉर एग्जाम्पल आपको सन दे दिया है कि उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी ले ली उसके बाद उनकी मतलब उनके डेथ के बाद, तो अब जो उनके डेब्स हैं वो भी सक्सेशन के केस में अब उसके जो लायबल हैं, अब जो सन जो है वो लायबल है उनके डेब्स और लायबिलिटी को फादर के पे करने का. बट वो पे कितना करेगा, बट इफ द डेब्ट ओन बाय फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ ईस्टेट इनहेरिटेड बाय द सन देन ही वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द एक्सेस. मतलब जो ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल उनकी फादर की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज की थी, फॉर एग्जाम्पल उनके जो फादर की प्रॉपर्टी थी जो वो 10 लाख रुपीज की थी और जो उनका डेब्स थे वो 12 लाख रुपीज के थे फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो वो सिर्फ 10 लाख जितना ही पे करेगा, ऊपर के 2 लाख वो नहीं पे करेगा. द सन और द लायबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटर्नल ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, ओके, और वो ही नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द एक्सेस. उसका जो 2 लाख रुपीज जो एक्सेस वो पे नहीं करेगा. बट असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो बेनिफिट्स ही मिलेंगे, कोई बर्डन नहीं मिलेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी अब बट नॉट द लायबिलिटी, दिस इज बिकॉज इन द लायबिलिटी असाइन अ थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व. फॉर यहाँ पे ऑब्वियसली है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं, ये भी थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होगी. तो यहाँ पे डेटर जो है वो हिमसेल्फ उसकी क्यों लायबिलिटी पे करे. तो यहाँ पे इन द केस ऑफ असाइनमेंट सिर्फ उसको बेनिफिट्स मिलेंगी, बट इन द केस ऑफ सक्सेशन उनको दोनों चीजें मिलेगी, ठीक है. मतलब बर्डन और बेनिफिट्स दोनों उसको सफर करने पड़ेंगे. अब ये नेक्स्ट चीज हम पार्ट टू में पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा साथ में समझ नहीं आएगा. तो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ये सेक्शन 38 के अंदर आता है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट सेक्शन में जाके प्रेजेंट लिखना है, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा. थैंक यू.